कोरोना संकट के बीच रोजगार गंवा चुके प्रदेश के युवाओं के लिए मत्स्य पालन क्षेत्र में रोजगार की नई उम्मीदें दिखाने के लिए आकांक्षा आर गौतम को जिला मुख्यालय में दी फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि आकांक्षा आर गौतम गुरु आनंद देव वेटनरी और एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना में मत्स्य पालन विषय में अध्ययन कर रही हैं। इसी कड़ी में आकांक्षा ने पिछले 5 महीनों से मत्स्य पालकों व मछुआरों को पेश आ रही समस्याओं को जानने के साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं पर गहन अध्ययन किया है। इस ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर आकांक्षा आर गौतम ने मत्स्य अधिकारियों व मत्स्य पालकों व मछुआरों के साथ किए गए संवाद के तहत सामने आए अनुभवों को लेकर एक प्रोजेक्ट बना रही है जिससे राज्य एवं केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। आकांक्षा गौतम ने बताया कि प्रदेश सरकार मत्स्य विभाग की कल्याणकारी योजनाओं को मछली पालकों को सीधा दिलाने के लिए वे सेतु बनेंगी। मेरा नाम आकांक्षा गौतम है। मैं गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। मैं अभी BFSC सेकेंड ईयर में हूँ और इस COVID-19 के चलते जब मुझे लोगों की सहायता करनी थी तो मैंने अपनी जो मेरी डिग्री की थोड़ी बहुत जो मैंने नॉलेज एकत्रित की थी उससे करना चाहा। जो बेरोजगार अपना रोजगार खोकर आए थे उनको मैंने फिशरीज से मिलवाया और उनको बताया कैसे फिशरीज के चलते वो अपने साथ 10 लोग और उनका भी रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो यहाँ के हमारे मछुआरे थे उन सबसे बातचीत की, उनकी समस्याएँ सुनी, उनकी समस्याओं का हल करने की कोशिश की और कुछ हद तक की भी है। और आज मैं इन सबके समक्ष आई थी और इनसे बात की और इनको मैंने ये भी समझाया कि अब हमें कैप्चर से कल्चर की ओर जाना है और कैसे सरकार इनकी सहायता करेगी। आज सब कुछ मैंने इन समझाया है और मैं आशा करती हूँ कि एक दिन हम हिमाचल का बिलासपुर का नाम भी फिशरीज की लिस्ट में जोड़ेंगे